हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर एक्चुअली मैंने सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के आज सारा कुछ किया। मतलब आज मुझे भगवान को भोग लगाना था, गणपति भगवान को। एक्चुअली उनकी थाली रेडी करनी थी और आज उनका विसर्जन का दिन है, तो इसीलिए उनका ना मेरे यहाँ पे खाना ही नहीं हुआ था। मतलब जो खाना मैं हमेशा करती हूँ, जो भोग लगता है बड़ा वाला, वो हमेशा करती हूँ। मतलब हर साल मैं आपके साथ उसका ब्लॉग शेयर करती हूँ, बट इस बार ना कोरोना की वजह से हम लोगों ने बड़ा खाना नहीं रख, तो इसीलिए जो वो लगाया ही नहीं था। तो मैंने आज सुबह सुबह उठ के 4:30 बजे मैंने उठ के आज सारा कुछ किया, क्योंकि आज ना 9:15 बजे के बाद भद्रा लगने वाली थी और मुझे पता ही नहीं था कि 9:15 बजे के बाद भद्रा लगने वाली है। तो मुझे भैया ने कॉल किया, मतलब इनके भैया ने, मेरे जेठ जी ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, तो इसीलिए फिर मेरा खाना भी रह गया था, मतलब भोग लगाना भी रह गया था। तो मैं टेंशन में आ गई थी कि मैं क्या करूँ अब, तो इसीलिए मुझे जल्दी से उठना पड़ा और फिर जल्दी से उठ के मैंने सारा कुछ किया और फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया। मतलब भोग भी लग गया और सारा कुछ, और यहाँ पर अभी गणपति विसर्जन की तैयारी चल रही है। और मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया है, मतलब मैंने सोचा था कि शाम तक मैं गणपति उठाऊंगी और बहुत अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। गणपति के बिठाने के टाइम तो कुछ हो नहीं पाया, बट मैंने आज सोचा था कि गणपति उठाने के टाइम मैं बहुत अच्छे से रेडी होके सब कुछ करूंगी, बट ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे कितना ज़्यादा गलाटा पड़ा है, वो भी वो काम चल रहा है उसकी वजह से। और था एक्चुअली क्या होता है कि गणपति उठाने के टाइम सारे घर में गणपति को घुमाया जाता है, गणपति पापा मोरिया करके ऐसे बोल के, फिर गणपति पापा का विसर्जन करते हैं। तो ये वही कर रहे हैं, सारे घर में गणपति पापा को घुमा रहे हैं, उसके बाद हम लोग उनका विसर्जन करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर आज ना हम लोग ससुराल नहीं जाने वाले हैं, घर पे ही विसर्जन करने वाले हैं गणपति पापा का, क्योंकि इस बार हम लोगों ने मिट्टी का गणपति लाया है और हम लोग अभी घर पे ही गणपति विसर्जन करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हम लोग जाते हैं ससुराल की नदी में, हम लोग वहाँ पर गणपति विसर्जन करते हैं, बट इस साल मिट्टी का गणपति लाने की वजह से हम लोग इको फ्रेंडली गणपति विसर्जन कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी टब भर के रखा है, तो वही टब में हम लोग गणपति विसर्जन करेंगे। तो इस बार कुछ भी नहीं हो पाया जो मैंने डिसाइड किया था, जो मैंने सोच के रखा था मन में, तो वो कुछ भी नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने सोचा था कि सब कुछ होगा, रेडी हो जाऊंगी मैं, और रेडी होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट घर में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी कि आपको क्या बताऊँ। आप देख सकते हो पोर्च में धूल, ये भी बहुत कम है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर मैंने झाड़ू मार लिया था, क्योंकि गणपति विसर्जन के टाइम पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसीलिए वहाँ पर झाड़ू मारा था, नहीं तो ज़्यादा गलाटा था वहाँ पे, और ऊपर तो आप सोच भी नहीं सकती हो इतना ज़्यादा गलाटा, और अंदर भी बहुत घर में गलाटा था। गणपति विसर्जन के पहले मैंने थोड़ा सा झाड़ू मार लिया था, थोड़ा सा क्लीन हो गया था, बट मुझे इतने गलाटे में रेडी होने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई। मतलब जो घर के मैंने कपड़े पहने थे, वही कपड़ों पर हमने सबने गणपति विसर्जन किया, सबने वही घर के कपड़े पहने थे, सिर्फ श्रीकांत रेडी हुआ था, क्योंकि उसका बर्थडे है आज, और एक्चुअली बहुत अच्छे दिन पे उसका बर्थडे आया है आज गणपति विसर्जन के दिन पे, और वो बता रहा था कि उसका जन्म भी उसी दिन हुआ है, मतलब गणपति विसर्जन के दिन ही हुआ है, और इस साल गणपति विसर्जन के दिन ही उसका बर्थडे आया है, तो बहुत अच्छे दिन में आया था उसका बर्थडे। तो हम लोगों को इस बार कुछ भी डेकोरेशन वगैरह करने का टाइम नहीं मिला उसके बर्थडे पे, हम लोग अच्छे से बलून्स वगैरह फुलाते हैं या थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करते हैं, फिर उसका केक कट करते हैं या रात को भी केक कट करते हैं हम लोग उसका। तो इस बार ये गलाटे की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब रात को भी केक नहीं कट कर पाए हम लोग उसका, इसलिए फिर हम लोग अभी शाम को उसका केक कट करने वाले थे, मतलब गणपति विसर्जन के बाद। तो यही गणपति विसर्जन की अभी तैयारी चल रही है। यहाँ पर गणपति विसर्जन से पहले एक बार आरती होगी और उसके बाद गणपति विसर्जन होगा। एक्चुअली गणपति तो हमने सुबह ही हिला दिया था, मतलब अपनी जगह से थोड़ा सा हिला दिया था गणपति, क्योंकि 9:15 बजे से पहले ही हमें गणपति को उठाना था, इसी वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी कर पड़ा। और मेरा ना 8 बजे तक तो सारा कुछ हो भी गया था, खाना वगैरह सब भोग वगैरह मेरा बन भी गया था भगवान का, तो मैंने भगवान को भोग वगैरह भी लगा दिया था, और उसके बाद हम लोगों ने सुबह ही 8:30 बजे आरती भी कर ली थी, और 8:30 बजे ही हम लोगों ने फिर गणपति को हिला भी दिया था, मतलब 9 बजे तक। तो उसके बाद तो गणपति ऐसे समझ लो कि हिला दिया तो उठ गए गणपति, बट विसर्जन करना बाकी था, क्योंकि इनको सुबह ड्यूटी जाने के लिए लेट हो रहा था, तो ये ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद उधर से आए, तो दोपहर में आए तो हम लोग श्रीकांत का वेट कर रहे थे, श्रीकांत आया तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो गणपति विसर्जन अभी कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर श्रीकांत को भी कहीं जाना था, इसीलिए हम लोगों ने गणपति विसर्जन किया, उसके बाद उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया,
मतलब केक वगैरह कट किया, और उसके बाद फिर हम लोग अपने कामों में लग गए क्योंकि घर पे भी काम चल रहा है तो। और हाँ, यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी ज़ोर ज़ोरों से, ऊपर काम चल रहा है और खटखट की आवाज़ तो आएगी ही, अभी दिन भर वैसे ही चलता रहता है, इसीलिए मैं दिन भर कुछ भी वीडियो वगैरह एडिट नहीं कर सकती हूँ और कुछ भी बातें भी नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए आपको मैं बैकग्राउंड वॉइस में ही जो कुछ है वो बता सकती हूँ। तो यहाँ पर वही चल रहा है और अभी बस आरती वगैरह हो गई है, बस गणपति विसर्जन ही करेंगे। और अभी सो रहा था ना, इसी वजह से वो थोड़ा सा सुन है, नहीं तो वही ज़्यादा चहल पहल करता है, नहीं तो वही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है हमेशा, बट अभी वो सो रहा था इसी वजह से थोड़ा सा वो शांत शांत लग रहा है, बट थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में और मस्ती करने लगेगा। और हाँ, जो ये गणपति और गौरी के जो दिन होते हैं, मतलब 10 दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा चहल पहल वाले होते हैं, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा घर शांत हो जाता है, मतलब बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है घर पे। आज तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है घर पे। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, आणखी उचला, आणखी उचला, मोर्या गणपती बाप्पा, मोर्या मंगल मूर्ती, मोर्या टाका बस। हाँ, एकत्र कर लागा मग ते नदी सुरू झाला कशात, नाही नाही त्याच्यामध्येच करायला लागेल, भगवान गणपति विसर्जन हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर श्रीकांत का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। एक्चुअली कुछ भी नहीं हो पाया इस बार, बहुत शांति शांति से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है, बट कोई बात नहीं, अभी हो जाता है ऐसे। और आप देख सकते हो पीछे भी वो POP की बोरिया वगैरह है नीचे, घर में तो अभी आपको कैमरा में इतना नहीं दिख रहा है, बट घर में भी नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा गलाटा है, पूरी सफ़ेद धूल है नीचे टाइल्स पे भी, तो अभी सफ़ेद की वजह से आपको वो दिख नहीं रहा है टाइल्स पे, बट हमें तो खुद को इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था, और पूरा ना घर में ब्लर ब्लर सा दिख रहा था क्योंकि धूल 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 की वजह से पूरा ब्लर दिख रहा था। क्या कर सकते हैं, कुछ दिन तो हो गई, अभी कुछ दिन झेलना ही पड़ेगा जब तक काम ख़त्म नहीं होता है। तो बस यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने श्रीकांत का बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक कट किया, और उसके बाद हम लोग फिर कामों में ही लग गए, मतलब साफ़ सफाई में ही लग गए। साफ़ सफाई में ही इतना टाइम निकल जाता है कि आपको क्या बताऊँ, मतलब शाम का टाइम था ये, शाम के बाद तो हमें साफ़ सफाई में ही लगना पड़ता है क्योंकि उनका वो कटाई वटाई का सारा काम हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग साफ़ सफाई में लगते हैं, उसके बाद का सारा टाइम हमारा साफ़ सफाई में ही निकल जाता है। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्लर ब्लर दिख रहा है ना, वो उसी की वजह से है, वो धूल की वजह से। एक्चुअली अभी भी मैंने क्लीनिंग ख़त्म की है और यहाँ पर अभी बज रहे हैं 8:30 रात के, तो क्लीनिंग तो ख़त्म हो गई है, बहुत सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है यार ये लोग जाने तक, और हाँ अभी तक नहीं गए हैं सब, तो ऊपर काम चल ही रहा है। मैं वो लोग जाने के बाद ना 9:30 बजे जाएंगे वो लोग, जाने के बाद आपको दिखा दूँगी कि क्या क्या चल रहा है ऊपर, मतलब क्या क्या हुआ है काम। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप काम दिखाओ क्या चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज चलो दिखा देती हूँ आपको क्या काम चल रहा है। अभी मैंने फेस वॉश किया तो यहाँ पर पानी कितना भी कोशिश करो गिर ही जाता है, तो फेस वॉश किया तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, बहुत सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर भी ये शेल्फ तो क्लीन करती ही नहीं है, मतलब मैंने सोचा कि अभी सारा कुछ ख़त्म हो जाने के बाद ही सारा कुछ क्लीन होगा, मैंने सोचा था कि करूँगी नहीं मैं अब क्लीन, तो फिर भी रहना पड़ता है घर में तो करना ही पड़ता है, मतलब अजीब सा लगता है आँखों के सामने दिखता है धूल 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 सारी जगह, तो करना ही पड़ता है। बट अभी सीढ़ियाँ नहीं की है मैंने क्योंकि वो लोग अभी जाने के हैं, तो वहाँ से पैर और लाएंगे और लेके जाएंगे, तो वैसे क्लीन करके जाते हैं वो लोग बट इतना डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो इसी वजह से घर पे मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है खुद से। अभी यहाँ पर पूरा घर क्लीन करते हैं हम लोग, सुबह भी एक बार होता है और शाम को भी, मतलब रात को भी एक बार होता है, शाम को नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि रात को ही होता है वो, 8:30 बजे 8 बजे कभी कभी, या मतलब सारा कुछ ख़त्म हो जाने के बाद, जैसे वो शीट वगैरह काटते हैं ना, वो सारी धूल वगैरह
बहुत सारी उड़ती है धूल उसकी, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद ना सिर्फ काम लगाने का ही रहता है फिर, तो इसीलिए वो काम हो जाने के बाद फिर हम लोग क्लीनिंग करते हैं। ये भी हेल्प करता है मेरे, कभी कभी ये घर पे नहीं रहता है, ड्यूटी पे रहता है तो मुझे ही करना पड़ता है। कल तो सारी क्लीनिंग मैंने अकेली ने की थी, तो इसलिए थोड़ी सी थक जा रही हूँ। तो इसीलिए आपको व्लॉग में अगर मैं थकी थकी से दिखूँगी ना तो प्लीज़ इग्नोर करना। अभी बस ये चले जाए तो मैं आपको वो काम दिखा दूँगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो काम चल रहा है वो दिखाऊंगी, बट वो जो काम करने वाले ना बहुत ज़्यादा लेट गए यार। कल उनकी नाइट थी, मतलब थोड़ी देर नाइट की उन्होंने, तो इसीलिए वो ना 11:30 बज गए हैं मेरे घर से। इसीलिए फिर उसके बाद तो मेरा व्लॉगिंग करने का मन नहीं किया, कुछ भी दिखाने का मन नहीं किया। इसके बाद तो मैं तुरंत सो गई, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई कुछ भी। और अभी भी वैसे ही हुआ है, मैंने अभी फेस वॉश किया है और पूरा पानी यहाँ पर गिर गया। कोई बात नहीं, अभी मैं अपना स्किन केयर करती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या काम उन्होंने किया है। अभी वो आने ही वाले होंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या काम किया है उन्होंने, क्योंकि वो सुबह ही आ जाते हैं। अभी 8:30 बज रहे हैं, फेस वॉश कर लिया, अभी मुझे अपना स्किन केयर कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं ये टोनर यूज़ करने वाली हूँ, ये है रूप मंत्रा का टोनर। और रूप मंत्रा के प्रोडक्ट आयुर्वेदिक होते हैं, वैसे इनके प्रोडक्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, बट ये जो मिस्ट है मैंने यूज़ नहीं किया था, तो मैं सोचा चलो ये यूज़ करके देखती हूँ। तो मुझे ये आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो ये है रूप मंत्रा का रोज एंड सैफ्रॉन मिस्ट स्प्रे, रिफ्रेश एंड हाइड्रेट स्किन। इसमें नो अल्कोहल, नो हार्श केमिकल, नो पैराबेंस, कोई भी केमिकल नहीं है इसमें। इसमें कोई केमिकल नहीं है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होने वाला है आपको, तो और काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश लग रहा है इससे। तो ये मैं जब भी फेस वॉश करती हूँ तो इसे यूज़ कर लेती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, रोज एंड सैफ्रॉन की स्मेल आती है। और आपको पता ही है कि सैफ्रॉन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, रोज भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपकी स्किन में एक ग्लो लाता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती है और साथ साथ आपको फेयर भी करता है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सैफ्रॉन और रोज। और जब भी मैं ये यूज़ करती हूँ ना तो इसकी स्मेल काफ़ी देर तक रहती है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी स्मेल। अभी ये मिस्ट जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है, इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अभी ये रूप मंत्रा का विटामिन सी फेस सीरम। इसमें है विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन ई, शिया बटर, मलबरी एक्सट्रैक्ट। ये आपकी स्किन में एक अच्छा सा ग्लो लाता है और आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। नॉनस्टिकी फॉर्मूला है इसका, डीप नरिशमेंट देता है। तो इसे मैं अप्लाई करूँगी अभी इसके बाद, और इसे ना मैं 2 बार अप्लाई करती हूँ अपने स्किन पे। जब भी मैं मिस्ट यूज़ करती हूँ उसके बाद मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ और इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो इस तरह से, और इसे आप हाथों पे लेके भी अप्लाई कर सकते हो। इसे इस तरह से आपको अपने हाथों पे लेना है और उसके बाद आपको इसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है और अप्लाई कर लेना है। इसे आपको फेस एंड नेक पर अप्लाई करना है और इसका रिजल्ट ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेन बात ये है कि ये आयुर्वेदिक है, इसी वजह से इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए इसे कोई भी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है फिर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसको लगाने के बाद आप देख सकते हो एक नेचुरल सा ग्लो आ गया है मेरे फेस पर, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। और इसका नॉन स्टिकी फॉर्मूला है तो एकदम चिपचिप नहीं करता है आपके फेस पर। चलिए अभी मेरा स्किन केयर तो हो गया है। और हाँ, इन दोनों प्रोडक्ट को अगर आपको परचेस करना है तो इसका लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर क्या चल रहा है और क्या क्या उन्होंने किया है और क्या क्या अभी वो करने वाले हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अभी आपको मैंने बोला था ना कि वो लोग आने ही वाले होंगे, जब तक मैं आपसे बातें कर रही थी तब तक वो आ भी गए और काम भी स्टार्ट कर दिया है उन्होंने ऊपर, तो आवाज़ आ रही है ऊपर काम की। चलिए कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ फिर भी आपको कि क्या चल रहा है ऊपर, और जो काम हुआ है वो भी दिखा दूंगी आपको। यहाँ पर ये पोर्च पे हम लोगों ने ये ब्राउन कलर की पीवीसी लगवाई है और ये भी ब्लर ब्लर ही दिख रहा है क्योंकि धूल धूल की वजह से आपको। तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर इस तरह से पीवीसी लगवाई है और ब्राउन कलर की है। पोर्च तो कंप्लीट हो गया है, बस अभी इसका लाइटिंग का ही काम बचा है, लाइट्स ही लगवाने हैं बस इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर जब चढ़ते हैं तो सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी गली है, तो उसमें ये इस तरह से POP करवाई है। और उसके बाद एक रूम है यहाँ पे जो माही की रूम है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है, मतलब अंदर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर काम चल रहा था ना तो बीच बीच में आना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था उनके, बट आपको दिखाना था
तो इसीलिए मैं आ गई थी ऊपर। मैं ज़्यादा ऊपर नहीं आती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल रहती है नीचे, मतलब पैर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाती है, इसीलिए मैं ऊपर नहीं आती हूँ। और वो काम चलता रहता है तो उनके बीच में क्या आना, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी काम स्टार्ट ही हुआ था तो ये इस तरह से गलाटा पड़ा है, मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। और ये यहाँ पर वो लोग लेके ही जा रहे हैं क्योंकि अभी गैलरी का, ये जो जिम रूम है, जिम रूम की गैलरी का भी होगा वैसे ही पीवीसी का काम। और ये जिम रूम है तो मतलब अभी ये फ़िलहाल के लिए जिम रूम है, बट ये अद्विक की रूम है तो इसीलिए ये अद्विक के रूम में इस तरह से पीओपी हो रही है। अभी ये फ़िलहाल आपको इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा, मतलब समझ में नहीं आएगा कि इस तरह से है ये पीओपी, बट जब कलरिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा ना, इसका फिनिशिंग वगैरह, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये इसकी डिज़ाइन है और किस तरह से ये बनेगा। तो बस यहाँ पर मैं आपको गैलरी का भी नज़ारा दिखा देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर पीवीसी चल रही है, जैसे नीचे पोर्च में करवाई है वैसे ही यहाँ पर इस गैलरी में पीवीसी होगी और उसके बाद नीचे का काम स्टार्ट होगा। तो अभी ये फ़िलहाल तो यही चल रहा है, अभी नीचे का काम कब स्टार्ट होगा वो तो नहीं पता, बट जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि ये भी बहुत जल्दी किया है उन लोगों ने, टीम उनकी थोड़ी सी बड़ी है और बहुत लेट तक वो काम कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उनसे दिवाली से पहले सब कुछ कंप्लीट करने के लिए बोला है, सब कुछ ओके कर देने के लिए बोला है, इसीलिए वो टीम से उन्होंने बढ़ा दी है। कंप्लीट तो नहीं हुआ है बट जैसा था वैसा मैंने आपको दिखा दिया, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। कंप्लीट हो जाने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, अभी ये फ़िलहाल तो ऐसा बहुत ज़्यादा गंदगी है ऊपर और वैसे वो साफ़ सफाई कर रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है जैसे पहले रहता है। कंप्लीट हो जाने के बाद तो आपके लिए एक अच्छा सा होम टूर होगा, तो उसमें आप देख ही लोगे कि सारा कुछ कैसे हुआ है, बट बीच बीच में मैं आपको दिखाती जाऊँगी, जैसे आज मैंने दिखाया थोड़ा थोड़ा, वैसे मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि क्या क्या चल रहा है। तो चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।